गुड मॉर्निंग क्लास। हमने हिस्ट्री का लेसन नंबर 6, हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट उसके आंसर इन 1 or 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्ट्री एंड हाउ डज द स्टडी ऑफ इट बेनिफिट अस। हिस्ट्री क्या है और इसकी स्टडी करने से हमें क्या फायदा होता है। आंसर इज हिस्ट्री इज अ सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स बेस्ड ऑन अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड रिमेन्स। हिस्ट्री जो है जो पास्ट में पुराने जमाने में जो इवेंट्स हो चुकी हैं उनके एक सिस्टेमेटिक स्टडी है और ये जो है जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसके ऊपर बेस होती है। इट बेनिफिट्स अस बाय प्रोवाइडिंग द सोर्स मटीरियल टू नो अबाउट अवर पास्ट। और इसमें फायदा क्या मिलता है कि इससे हमें जो है पुराने जमाने को पास्ट को जानने के लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करती है। हिस्ट्री जो है पास्ट को जानने के लिए हमें सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट से आपका क्या तात्पर्य है। आंसर इज द ऑर्डर इन विच पास्ट इवेंट्स आर अरेंज्ड इज नोन एज द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट मतलब सीक्वेंस वाइज जो घटनाएं सीक्वेंस वाइज होती है सीरीज में चलती है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस वाइज अरेंज की जाती है उनको हम क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी इज द साइंस दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजी एक ऐसी साइंस है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से हमें ऐसी नॉलेज मिलती है कि हम पास्ट के रिमेन्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रीजन ऑफ इंडिया मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड बाय हिस्टोरियन। मेगालिथ्स कौन सी रीजन में पाए जाते हैं। जब हमने लेसन रीड किया था तो आपको बताया था मेगालिथ्स क्या होते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज बरी की जाती हैं उसके ऊपर वो एक बहुत बिग स्टोन रख देते हैं जिसको मेगालिथ बोलते थे। तो मेगालिथ इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। आंसर इज इन इंडिया मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द डेक्कन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड फाउंड ऑन इंडिया। इंडिया में जो प्री हिस्ट्री के टाइम के जो टाउन्स हैं उनके नाम बताइए। मोहनजोदारो एंड हरप्पा दो नाम है जो हमें प्री हिस्ट्री के पीरियड के मिले हैं। मोहनजोदारो एंड हरप्पा आर टू इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड फाउंड इन इंडिया। ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। एडिक्ट्स क्या होती हैं और इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं। एडिक्ट्स क्या होती हैं ये डिफाइन करना है इसको। इट इज अ रॉयल कमांड। एडिक्ट्स क्या होती है, रॉयल कमांड होती है। रॉयल कमांड मतलब जो किसी राजा ने कमांड दिया होता है, ऑर्डर किया होता है। इट ऑर्डर्स द पीपल टू ओबे सर्टन एथिक्स एंड रूल्स दे वर इनग्रेव्ड ऑन मेटल्स स्टोन्स रॉक्स और पिलर्स। ये राजा जो है अपनी प्रजा को अपने लोगों को ऑर्डर करता है कि जो कुछ चीजें जो है कुछ नियम जो है कुछ एथिक्स जो है वो मानने पड़ते हैं और इनको कहाँ पे लिखवाते हैं, मेटल्स के ऊपर या फिर पत्थरों के ऊपर या चट्टानों के ऊपर या कोई पिलर्स होते हैं स्तंभ होते हैं उनके ऊपर लिखवा के लोगों के लिए ऑर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वर रिटन रिकॉर्ड्स एंड इनग्रेव ऑन पिलर्स। इंस्क्रिप्शन भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और ये कहाँ लिखे होते हैं, पिलर्स के ऊपर, वॉल्स ऑफ टेम्पल के ऊपर या फिर कॉपर एंड क्ले टेबलेट्स, कॉपर की या फिर क्ले की टेबलेट्स बनी होती हैं उनके ऊपर लिखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू क्रॉनिकल्स वर रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल जैसे आपको बताया था लेसन में कि अकबर के दोस्त मित्र भी था और उसका मंत्री भी था, तो अबुल फजल ने कौन से क्रॉनिकल्स लिखे हैं। अबुल फजल वॉज ए एमिनेंट हिस्टोरियन इन अकबर्स कोर्ट। अकबर की कोर्ट में एक हिस्टोरियन था। ही रोट टू इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स नेमली आईने अकबरी एंड अकबरनामा। उसने अकबर की बायोग्राफी लिखी है
दो लिखी थी उन्होंने, एक का नाम है आईने कबरी और दूसरी का नाम है अकबर नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू चाइनीज ट्रेवलर हु केम टू इंडिया। दो चाइनीज ट्रेवलर जो इंडिया में आए थे उनके नाम बताने हैं। इंडिया में बहुत सारे जो हैं ट्रेवलर्स आते थे, जैसे हमने पढ़ा लेसन में इंडिया के बारे में जानने के लिए, तो कौन कौन चाइनीज ट्रेवलर कौन थे। पहला चाइनीज ट्रेवलर था फा ह्यान। फा ह्यान वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। फा ह्यान एक चाइनीज ट्रेवलर था जो चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे वो राजा थे, सम्राट थे, तब वो आए थे। उसके बाद ह्यून सांग वॉज अनदर चाइनीज ट्रेवलर हु रोट एन अकाउंट ऑफ हर्षा टाइम। हर्षवर्धन किंग हुए उनके बारे में ह्यून सांग ने लिखा था, वो दूसरे चाइनीज ट्रेवलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आंसर इज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग अवर पास्ट हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो हमने अपने पास्ट को दोबारा लिखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। सम ऑफ दीज सोर्सेज आर, कौन कौन सी सोर्सेज हैं? टूल्स हैं, वेपन्स हैं, मेगालिस, आर्टिफैक्ट्स, मोनूमेंट्स, कॉइन्स, एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज दैट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट हिस्ट्री। अब एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हमने ऊपर देख लिया, अब लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज हैव बीन डिवाइडेड बाय हिस्टोरियन इनटू टू कैटेगरीज। लिटरेरी सोर्सेज जो है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दे आर रिलीजियस एंड लिटरेचर। एक तो है रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें जो है रिलीजन की कुछ चीजें बताई गई हैं, रिलीजन की बुक्स होती हैं, जिसमें क्या क्या है, सम इम्पोर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड द वेदास, द रामायण एंड पुराणास। सेकेंड जो है सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर आर इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, स्टोरीज, प्लेस, बायोग्राफीज एंड बुक्स ऑन पॉलिटिक्स एंड साइंस। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गए सिक्स क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपने तब तक ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है ये आपने कॉपी में नोट करने हैं। अपने कॉपी, अब तो बुक्स मिलनी शुरू, कॉपीज मिलनी शुरू हो गई हैं, स्टेशनरी की शॉप खुल गई है, आपने ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट करने हैं, और जो भी आपको मैं काम दे रही हूँ सब आपने कॉपी में नोट करना है, और जब भी आपका स्कूल खुलेंगे आप सब बच्चों की कॉपी प्रॉपरली चेक होगी, ठीक है, कोई भी इसको मिस नहीं करेगा, सबका रेगुलर, जब जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाए उसी दिन आपने ये काम पूरा कर लेना है। ओके क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिस्ट्री का लेसन वन की एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर और रीडिंग जो हम कर चुके हैं, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट ब्लैंक की, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज, हिस्ट्री इज अ केयरफुल एंड डैश स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंसेस। हिस्ट्री जो है एविडेंस के ऊपर बेस्ड जो है वो पास्ट इवेंट की स्टडी है, कैसे, केयरफुल और सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है जी। सेकंड ब्लैंक इज, सेकंड फिलअप इज, डैश रोट एन अकाउंट ऑफ द वॉर्स फोर्ट बिटवीन ग्रीक्स एंड पर्शियन। ग्रीक्स और पर्शियन के बीच में जो वॉर फोर्ट की गई थी उसके बारे में किसने लिखा है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने लिखा था ग्रीक और पर्शियन की जो वॉर हुई थी। थर्ड इज, हिस्ट्री कैन बी ट्रीटेड एज ए ट्रेजर ऑफ डैश फ्रॉम अवर पास्ट। हिस्ट्री को हम क्या मानते हैं? ट्रेजर ऑफ विजडम, बुद्धि मता का खजाना। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री इज नोन एज। हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज लिखने को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। व्हेन वी रेफर टू बीसी वी कैलकुलेट द डेट्स इन डैश ऑर्डर। जब हम, जैसे मैंने आपको बताया था डेट्स के बारे में, बीसी और एडी से डेट को काउंट करते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो मैंने आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था कि बीसी में जब डेट्स को काउंट करते थे तो वो रिवर्स में जाती थी, रिवर्स मतलब उल्टी पीछे को गिनते थे, जैसे 150 पहले आ गया, फिर 149, 148, ऐसे आगे कौन जाते थे, पीछे को रिवर्स में करते थे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स करेंगे, फर्स्ट
हेरोडोटस इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस जो है उसको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, हिस्ट्री गिव्स अस अ फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इज वन बिग फैमिली। हिस्ट्री पढ़ने से हमें, हिस्ट्री स्टडी करने से हमें एक ऐसी फीलिंग आती है जिससे पता चलता है कि पूरी ह्यूमन रेस जो है वो एक फैमिली की तरह, एक बिग फैमिली की तरह है, इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, टाइम बिटवीन 150 BC एंड 150 AD इज 100 ईयर। 150 BC और 150 AD के बीच में जो टाइम पीरियड है वो 100 साल का है। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ऊपर फिलअप में कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो पहले हम उसको रिवर्स में काउंट करते हैं, तो 150 300 होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 है, सो इट इज अ फॉल्स। नेक्स्ट इज, देयर आर नो रिटन कोर्स अवेलेबल फॉर द प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में जानने के लिए कोई भी रिटन कोर नहीं है। ट्रू, प्री हिस्ट्री में अभी जो एलिमेंट था उसको लिखना नहीं आता था, सीखा भी नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था, तो इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशियंट पीरियड। आर्कियोलॉजी जो है वो एंशियंट पीरियड के जो रिमेन्स होते हैं उनको स्टडी करने की एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है, इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट इज, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन स्पेशली डिजाइन पेपर। एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन जो है वो पेपर के ऊपर लिखे जाते थे। उस समय तक पेपर भी नहीं बना था, वो किस पे लिखते थे, कॉपर प्लेट्स के ऊपर या स्टोन्स के ऊपर या प्लेट्स के ऊपर, तो यहाँ क्या लिखा है, पेपर के ऊपर, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है, टिक द राइट आंसर। फर्स्ट इज, डेट इन द एंशियंट पीरियड्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टू टर्म्स। हिस्ट्री में जैसे आपको बताया था मैंने कि डेट्स कौन कौन से टर्म्स में होती है, तो आंसर इज AD एंड BC, आफ्टर डोमिनियन एंड बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट इज, द ह्यूज स्टोन्स डग आउट फ्रॉम द बरियल साइट्स आर नोन एज। बरियल साइट से जहां पे डेड बॉडी को बरी करते थे वहीं की साइट से जो है बड़े बड़े पत्थर मिले हैं उनको क्या बोलते हैं, आंसर इज मेगालिथ। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट हिस्ट्री इज डन थ्रू। जो पास्ट हिस्ट्री को हम द्वारा रिकंस्ट्रक्शन किससे करते हैं, आर्कियोलॉजी से, आंसर इज आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, द संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन दिस लैंग्वेज। संगम लिटरेचर जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तमिल लैंग्वेज में। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, संगम लिटरेचर जो मैंने अभी हमने ऊपर करा, संगम लिटरेचर किसे मैच करेगा, तमिल लिटरेचर। फिर मैक्सनीस कौन थे, उन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, मैक्सनीस ने इंडिका बुक लिखी थी। अकबरनामा किसने लिखा था, अब्दुल फजल। उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो हाथ से डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। और मोनूमेंट्स क्या होते हैं, वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर्स। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और आपने सिक्स क्लास या पूरी एक्सरसाइज जो है कॉपी में करनी है, ठीक है।